आदित्य ठाकरे ने विरोधियों को दी खुली चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर, बगैर शिवसेना के जीत कराने की दी चुनौती। शिंदे और उनके समर्थकों को विश्वासघाती कहा, मौजूदा सियासी जंग जीतने का किया दावा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बेहद तल्ख दिखे आदित्य। आदित्य ठाकरे ने सीधे चुनौती दी है। अब यहां पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखें, सीधा आइए यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में सरकार के 5 विकल्प, जरा ध्यान से देखें। अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गुट अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यपाल को पत्र लिख सकता है। नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें, दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों का साथ जरूरी। नंबर 3, आप यहां पर चेंज करें, वो ये है कि 16 बागियों पर कार्रवाई, 16 एमएलए पर कार्रवाई हुई तो शिवसेना की जीत मानी जाएगी। नेक्स्ट समझा जाए, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, शिंदे गुट अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फिर एक और चीज चेंज करें यहां पर, वो क्या है, तीसरा पॉइंट, शिंदे गुट के सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल होना ये एक ऑप्शन है। नेक्स्ट चेंज करें, शिवसेना की विचारधारा पर चलने का दावा खारिज हो जाएगा। फिर शिवसेना पर कब्जा, शिंदे गुट उद्धव से शिवसेना का उत्तराधिकार छीन सकता है, शिंदे गुट चुनाव आयोग के सामने जा सकता है, लेकिन वो लेटेस्ट स्टेजेस है। उद्धव ठाकरे से समझौता, एकनाथ शिंदे उद्धव से समझौता कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तल्ख होते बयानों के बीच समझौते की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। इस सब के बीच बड़ी खबर, जरा ध्यान से देखिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है, बागी विधायकों के घाट दफ्तर के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात। केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। 15 बागी विधायकों के घर दफ्तर पर के बाहर CRPF के जवान तैनात। शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र अलर्ट। मैं सीधा अभिषेक भाई के पास आऊंगा। जी अभिषेक भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर। अब देखिए, अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, केंद्र सरकार सिक्योरिटी दे रही है। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी, उनको लाएं जरा। केंद्र सरकार सिक्योरिटी दे रही है, ये जितने भी गुवाहाटी जाते हैं वाया सूरत जाते हैं, पहुंचे भी गुवाहाटी में हैं, मुलाकात वडोदरा में हो रही है। अब क्या समझा जाए, क्या कहा जाए? निशांत, वही समझा जाए और वही कहा जाए जो समझ में आ रहा है, और आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो सबकी समझ में आ रहा है, बहुत ही क्लियर है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर दूसरा पहलू भी है, उसका दूसरा पहलू ये है कि चूंकि संजय राउत, आदित्य ठाकरे, ये जो है सत्ता के शीर्ष अंग है, इनकी ओर से जिस तरह के बयान दिए गए वो एक आधार बन गया है। जिस तरह से संजय राउत ने सड़क पर देख लेने की बात कह दी, आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि बरली से होकर के जाता है, पार करके दिखाएं, तो ये एक आधार बन गया। इसमें दो राय नहीं है कि उनके साथ बीजेपी है, उनके पीछे बीजेपी है, उनके आगे भी बीजेपी है। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो किसी की सुरक्षा जुड़ा हुआ, अगर खुदा ना खास्ता कुछ अटैक हो जाए या कुछ ऐसी घटनाक्रम घट जाए तो उसमें एक जिम्मेदारी बनती है, और उस स्थिति में यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शिंदे गुट जिस तरह से ठाणे में आक्रमक है आपने वो देखा होगा, और इसीलिए वो आधार लेकर के इनको सुरक्षा दी गई है। आप जो बता रहे हैं, सीधे यहाँ पर अपनी जो अभी अभी थोड़ी देर पहले वॉल दिखाई थी, वो वॉल ड्रैग करके इस खबर का ब्रेकिंग और शॉर्ट्स लूंगा जो अभी हमने ऑप्शंस दिखाए थे। मैं सीधे राहुल सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा। राहुल सर, एक बहुत बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर इस मामले में जो अभी हम देख रहे हैं, जो इनके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर इस पूरे मामले में ये चीजें स्ट्रेच होती हैं तो जो बागी हैं उनका पक्ष कमजोर होता है। नंबर 2, वो बागियों के अंदर एक बहुत जबरदस्त रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके घर पे सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा है, उनका जो बेस है वो उनको हिलता नजर आ रहा है। आपको लगता नहीं है कि अब काउंटर अटैक में शिवसेना जीत रही है, अगर इस वॉरफेयर की बात की जाए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की जाए? बिल्कुल, ये बात समझ में आती है कि बागी विधायकों के ऊपर कई तरह के दबाव इस समय काम कर रहे हैं। एक दबाव दोनों का जिक्र आपने कर दिया कि अपने अपने मतदाताओं और समर्थकों और अपने समाज का विरोध झेलने का दबाव है कि उनको वो कैसे उनका सामना करेंगे, जबकि शिवसेना नीचे जमीन को उग्र कर रही है और गर्म कर रही है। और अब संजय राउत और आदित्य ठाकरे वही भाषा बोल रहे हैं जो एक तरह से कह लें कि बाल ठाकरे की भाषा हुआ करती थी, थोकशाही वाली भाषा। दूसरा, उनके ऊपर दबाव है कि दो मत उनके मन में है कि वो अलग सरकार में तो आना चाहते हैं, वो शिवसेना
को बचाए रखना चाहते, शिवसेना को नष्ट नहीं करना चाहते और खुद को भी शिवसेना और उसकी विरासत से अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो शिवसेना अगर भाजपा में शामिल होने का विकल्प उनके सामने अकेला विकल्प होगा तो उनको समस्या हो सकती है, उनको अपने मन की समस्या भी हो सकती है, अपनी विरासत की, राजनीतिक विरासत की, और अपने समर्थकों मतदाताओं की विरासत की भी समस्या होगी। और तीसरी कानूनी अड़चन तो है ही कि जो एक दूसरी पार्टी में विलय हुए बिना केवल दो तिहाई बहुमत के आधार पर वो हासिल नहीं कर सकते, सरकार में शामिल नहीं हो सकते एक दूसरी सरकार में जिसकी वो आशा करके आए थे। तो ये तीन दबाव उनके ऊपर हैं, निश्चित रूप से इसको मानना ही होगा।